क्या हुआ, क्या हुआ अभी, तुम ठीक तो? क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही थी? किचन में जा रही थी मैं। स्टैंप पे क्यों? वो भूख लग रही थी, एक बार में मुझसे खाया नहीं जाता। अच्छा ठीक है, तो मैं लेके आता हूँ। हाँ ला रहा हूँ खाना, बैठ जाओ। अबीर ले आया हूँ खाना, उठो और खाओ। नींद आ रही है। क्या मतलब नींद आ रही है? अजीब हो, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे कह रहे थे कि भूख लग रही है, अब खाना गर्म करके लाया हूँ तो खाओ। बेहोशी हो रही है मुझे सुने। अबीर उठो, उठ के बैठो, बैठो। ये लो खाना खाओ। ये लो पानी पियो और आंखें खोलो। नहीं खिलाते तो तुम बहुत सीधे सादे और भोले रखते हो जुनैद, इसी तरह अपने साथ रखोगे तो बहुत कम वक्त में मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। सौरभ के साथ वक्त गुजारना तो मेरे लिए अजाब बन गया। काश मेरे बच्चे की खबर देने से पहले ही मर जाती। उस बेचारी औरत के बेटे का मामला तो अफान की वजह से सामने आ गया, पता नहीं और कितने गुल खिलाए होंगे इसने। जो नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ दो मिनट दो। ये कौन है? कौन? पता नहीं किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है। ऐसा मैसेज? ये देखिए। जैसे ही अफान चला जाए मुझे फोन करो। तुम्हारी कोई दोस्त? नहीं, दोस्त होती तो नंबर सेव होता। पता नहीं क्यों नंबर देखा देखा लग रहा है। अच्छा मैं फोन करके देखता हूँ। जुनैद का नंबर है? दिखा मुझे। अभी से कॉल करके पूछने लगता है, लास्ट टाइम वाली बेइज्जती भूल गया। रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दो,
इग्नोर करो। देखो आइंदा अगर कोई इस किस्म का मैसेज आता है मुझे दिखाए बगैर ही डिलीट कर देना। अफ़ान, आपको भरोसा है मुझ पर कि आपके जाने के बाद भी मैं इसे कॉल नहीं करूँ? खुद से भी ज्यादा। हेलो, क्या हो रहा था, कैसा गुजर रहा है दिन? कुछ भी नहीं, चची से आज मैंने ढेर सारी बातें की और आपकी मम्मी से भी बात हुई थी, उन्होंने अपनी सेल्फीज भेजी और मैंने भी उन्हें अपनी सेल्फीज भेजी। और इस आधे गुजरे दिन में मैं कहीं भी नहीं था तुम्हारे साथ, इसका मतलब ये हुआ ना कि तुमने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। तुम हंस, मेरा दिल यहाँ जल रहा है और तुम हंस रही हो। अच्छा, मैंने तो अपने शौहर को बहुत प्यार से ऑफिस काम करने के लिए भेजा और मुझे तो ऐसा लगता था कि ऑफिस में काम ही किया जाता है, लेकिन आप वहां बैठ के ये रोमांटिक बातें सोच रहे थे। तुमसे तो उम्मीद यही थी मगर तुमने सारी उम्मीदों का पानी फेर दिया। बहुत अफसोस हुआ मुझे। वैसे मुझे आपको एक बात बतानी थी। क्या? हर पल चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी रहती है, ऐसा लगता है कहीं दूर से आप मुझे देख रहे हैं। शायद इसी को प्यार कहते हैं। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया। अच्छा ये तो बताएं कॉल क्यों की थी? हाँ ओके, तो बहुत अच्छी फिल्म लगी थी, मैंने तीन टिकट्स ले लिए, तो आज शाम को तुम और चची जान तैयार है, ठीक है? चलें, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? हम खाना भी बाहर से खाएंगे। ओके चल, मैं तैयार हूँ। सी यू। मैसेज करने के बाद भी नीलम ने तुम्हें फोन नहीं किया तो तुम यहाँ आ गए। मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया। झूठ मत बोलो। बोलो क्या काम है? तुम्हें बताने आया हूँ कि उस अबीर की हकीकत जानने के बाद मैंने उसे अपने जूते की नोक पर रखा हुआ है, पर अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना तो कब का उसे। मुझे तुम्हारे मामला में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें जो करना है करो और जाओ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार मेरे साथ? तुम और तुम्हारी बीवी ने जो कुछ हमारे साथ किया है उसके बाद तुमसे बात की तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। फान मेरी बात समझो, जिस तरह अबीर ने तुम्हारे कजन को धोखा दिया ना उसी तरह उसने धोखे से मुझे फंसाया। तुम्हारी चची की ऐसे देखने के बाद मैं कब का उसे तलाक दे चुका होता। तो वो मेरे होने वाले बच्चे की मां नहीं बनने वाली होती तो प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने कहा है ना तुम्हारी किसी बात में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, चले जाओ। ठीक है तो मैं अभी आराम से कह रहा हूं ना, अगली बार धक्का देके निकालूंगा। तू मुझे धक्का देगा? मुझे? जाओ। तू ठीक है? नहीं चला जाता। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे, कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? क्यों नाराज होंगे? क्या ये बच्चा उनकी मर्जी से नहीं हो रहा? नहीं वो बात नहीं है, अपने बच्चे से तो उनको बहुत लगाव है, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चे के आने का। तो फिर पता नहीं आपसे ये बात मैं कैसे शेयर करूं, समझ नहीं आ रहा, पर वो दरअसल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली ने मुझे अकेला छोड़ दिया, इसलिए शायद इतनी बेचैन हालत में हूँ।
अजियत दी जा रही है मुझे, तन्हा कर दिया गया मुझे। हालांकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनको मुझसे दूर किया जा रहा है। शायद वो अपने खानदान वालों के कहने में आ रहे हैं, शायद मेरी सास नहीं चाहती कि इतनी जल्दी उनके बेटे के कंधों पे बच्चे की जिम्मेदारी पड़े। आई थिंक आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, वो आपके हस्बैंड से बात कर लेंगे। पर दरअसल मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लावारिस हूँ मैं। ओ तो ये बात है। डॉक्टर साहबा प्लीज आप मेरी एक मदद करेंगी। मैं चाहती हूँ कि अगर हो सके तो आप मेरे हस्बैंड को ये बात समझाएं कि मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, मेरे पास रहें, इस हालत में मेरे साथ रहें। प्लीज आप टेंशन ना लें, अल्लाह बेहतर करेगा। जी डॉक्टर, आपने मुझे बुलाया था? जी बिल्कुल बुलाया था। क्या आपको अंदाजा नहीं अपनी वाइफ की कंडीशन का? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, खैरियत? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो इनकी कंडीशन थी आपने खुद लेकर आना था इन्हें। आपको पता है ये किस कदर स्ट्रेस में थी? अगर इनका बीपी जरा सा भी शूट कर जाता ना सिर्फ इन्हें बल्कि आपके बच्चे की जान को भी खतरा होता। डॉक्टर, इनके खाने पीने का, इनके आराम का, हर चीज का तो ख्याल रखते हैं हम लोग, अब और क्या करें? देखें, ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली है और औरत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अपने हस्बैंड की सपोर्ट की होती है। अगर आपकी सपोर्ट, आपका प्यार इन्हें नहीं मिलता तो फिर कोई भी आसाइश मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और इनके केस में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। जी। मुझे बहुत डर लग रहा है जुनेद, मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती जुनेद। डॉक्टर साहिबा की बातें सुनने के बाद मुझे और डर लग रहा है। बकवास बंद करो अपनी, और एक बात तुम याद रखना, इस बच्चे की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। तमाशे बंद करो और चुपचाप पड़ी रहो यहां पे। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे दिल कुछ हो रहा है। बंद करो अपने ड्रामे, फजूल के, यहां से करके तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी। मैं प्लीज मेरे पास रहे, नर्स मेरे पास रहे। चुने देखें इनको, प्लीज आप नीचे हैं। आप छोड़ो मुझे, आप मेरा ख्याल नहीं रख सकेंगी, आप मेरे बच्चे को नहीं संभाल सकेंगी, आप मुझे हाथ मत लगाएं। आप लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। मुझे प्लीज मत छोड़िएगा। हाँ ठीक है, सुनने की कोशिश। मेरे पास रहे, इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, सुनने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AYR डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।